विष्णुपादान् सहगण ललताश्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रवसोः कुवलय मक्षोः मञ्जनमुरसि महेन्द्रमणिदामा वृन्दावन तरुणीनां मण्डनमखिलं हरिर्जयति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयांद्रा तुलसी कांतम यत्र यत्र पद्म बनाने च पुराण पठनम यत्रो तत् सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री वृहद भागवतामृत श्री नाग जी जब शिवलोक में गए और शिव जी की महिमा का गायन कर रहे हैं, शिव जी परम विनम्र होकर के कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है, कृष्ण कृपा के अधिकारी तो बैकुंठ निवासी पार्षद कर रहे हैं, और उन बैकुंठ वासी पार्षद गणों में भी सर्वाधिक कृष्ण कृपा का यदि कोई अधिकारी है तो वो पार्वती जी बोले बीच में ही टोकती हुई कि वे श्री कृष्ण हैं, श्री लक्ष्मी जी हैं। श्री पार्वती जी भगवान की महिमा का, बैकुंठ वासी जो हैं उनकी महिमा का गायन कर रहे हैं कि और श्री शिवजी भी महिमा का गायन कर रहे हैं। महेश कह रहे हैं कि नारद जरा सा हमारे पास में बैठो, देखो तुमको वो श्लोक याद ही होगा, ठाकुर ने कहा है कि ना हम आत्मा माशासे मत भक्त ही साधवीर बिना, मुझे अपने भक्त साधु जितने प्यारे हैं उतना मुझे चतुर्भुज रूप भी प्यारा नहीं। कल के प्रसंग में ये थोड़ा सा संकेत कराए थे, विषय से हट करके थोड़ा सा संकेत कराए थे कि कर्मकांडी जो व्यक्ति है वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला वो है अत्यंत अत्यंत प्रिय स्वधर्म का पालन करने वाला, जो ज्ञानी है वो है प्रियतम, और जो भक्त है प्रेमी भक्त वो तो भगवान कहते हैं कि नाम आत्मा नमाशा से मत भक्त ही साधु बिना, वो तो मुझे मेरे से भी ज्यादा प्यारा है। तो इतना अपने चतुर्भुज रूप से भी भगवान अपने भक्त को ज्यादा पसंद करते हैं, ये आपने पूर्व प्रसंग में बताया। शिव जी इसी प्रसंग में कह रहे हैं कि मदाद देवता योनि निज भक्ति विनोद कृत श्री मूर्ति रक्षा येभ्यो नापेक्षा को ही नौतताम, कि मदाद देवता योनि शिव जी कह रहे हैं अपनी ओर अपनी तर्जनी उंगली को अपने हृदय से छिपाते हुए कि मेरे सभी के जो देवता हैं उनके भी श्री कृष्ण मूल कारण हैं, मदाद देवता योनि, खुद मुझसे लेकर के जितने भी देवता हैं उनके भी श्री कृष्ण ही मूल कारण होकर विराजमान है। योनि का तात्पर्य है कारण, योनि ना कारणे तो
मेरे सभी के जो देवता हैं उनके भी कारण है। निज भक्ति विनोद करते, वे अपने भक्तों के लिए विनोद प्रदान करने के लिए श्रीमूर्ति सा ये व्यो नापेक्षा अनेक अनेक श्रीमूर्ति धारण करते हैं और श्रीमूर्ति अपने सा ये व्यो नापेक्षा भक्तगण उनकी तुलना में भगवान अपनी श्रीमूर्ति उसकी भी उपेक्षा कर देते हैं। तो जिन भक्तों की श्रीमूर्ति होकर के ही भगवान विराजमान हैं, ऐसे कोई नरुतिताम ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा, उन भक्तों की प्रशंसा कौन नहीं करेगा। वे भक्तों का विरोध करते हैं, अनिर्वचनीय स्वरूप वाले हैं, तो श्रीमूर्ति अपने साथ ये भी नापेक्षा है। भक्तों की तुलना में भगवान अपनी श्रीमूर्ति की भी परवाह नहीं करते हैं। बताओ उन भक्तों की उपेक्षा कौन करेगा। दोबारा सुने, मदादि देवता यो नहि, मेरे शरीर के जितने भी देवता हैं उनके भी मूल कारण श्री कृष्ण है। योनि माने मूल कारण। निज भक्ति विनोद कर, वे अपने भक्तों के साथ में ही विनोद करते हुए विराजमान होते हैं। श्रीमूर्ति अपसा ये भी नापेक्षा, और भक्तों की महिमा देख करके वे भक्तों के सामने अपनी श्रीमूर्ति की भी परवाह नहीं करते हैं। और स्वयं उनके वचन हैं कि नाम आत्मा माशा से मुझे अपने चतुर्भुज रूप की परवाह नहीं है। तो बताओ ऐसे भक्तों की कौन उपेक्षा करेगा, ऐसे भक्तों का कौन चरणाश्रय ग्रहण नहीं करेगा। भगवान के चरणाश्रय ग्रहण करने से जाने काम बने कि नहीं बने, परंतु तो भक्तों के चरणाश्रय ग्रहण करने से काम अवश्य ही बन जाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। भक्तों का ये कुछ तो सिद्धिर भवति वा नेति संशय कृष्ण सेवना, सिद्धि जाने मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात में जो कृष्ण सेवी हैं उनके विषय में संदेह हो सकता है, परंतु भक्तगणों की जो सेवा करने वाले हैं उनको तो अवश्य सिद्धि मिलेगी, इसमें संदेह है ही नहीं। तो यहां पर उसी बात को कहा है कि सिद्ध भवति वा नेति संशय कृष्ण सेवना, अशंशयस्तु तद्भक्त पाद पद्म रतात्म नाम, जो भक्तों के भगवान के पाद पद्म में रत हैं, वैष्णव का आश्रय जिन्होंने ग्रहण कर लिया उनके ऊपर तो अशंशय निस्संदेह कृपा की प्राप्ति हो ही जाएगी। तत्राप्यशेष भक्ता नाम उपमान तयो देता है, वहां पर भी सारे भक्तों के उपमान रूप में कौन का वर्णन किया गया है, भगवान ने ही सारे भक्तों के उपमान रूप में प्रहलाद का वर्णन किया। तो सारे भक्तों के बीच में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, बोले प्रहलाद। तो शिव के नारद जी से कह रहे हैं कि वैकुंठ के भक्तों को भी छोड़ो, सारे भक्तों के बीच में सबसे बड़े कौन है, सबसे बड़े प्रहलाद है। तो नृसिंह भगवान ने जब क्रोध धारण किया हिरण्यकश्यप के ऊपर और नृसिंह रूप धारण किया, उस समय भीष्म पार्षदों ने भी आकर के भगवान की स्तुति की, लक्ष्मी जी ने भी स्तुति की, परंतु भगवान ने क्रोध नहीं छोड़ा, परंतु प्रहलाद ने स्तुति की तो क्रोध शांत हो गया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सारे भक्तों में प्रहलाद की बात ज्यादा मानते हैं, प्रहलाद से उनको ज्यादा प्रीति है, इसलिए तुम प्रहलाद के पास में जाओ। तो तत्का भी अशेष भक्ता नाम उपमान तयो देता है, श्री प्रहलाद को तो सारे भक्तों के बीच में उपमान रूप में कहा गया है, साक्षात भगवत ही वासम प्रहलादो अतर के भाग्यवान, इसलिए साक्षात भगवत ही असम श्री भगवान ने साक्षात रूप से भी ये बात कही, ऐसा जो प्रहलाद है वो प्रहलाद अतर के भाग्यवान है,
प्रहलाद के भाग्य की तो कोई तुलना कर ही नहीं सकता, ये बात स्वयं भगवान ने भी कही है। तस्य सौभाग्यमस्माभि सर्व लक्ष्मी आप्युत्तम साक्षात हिरण्यकशिपो अनुभूतम विदारणे। प्रहलाद के ऊपर कितना प्रेम है इसको साक्षात ये तस्य सौभाग्यमस्माभि, प्रहलाद के सौभाग्य को हमने भी बहुत अच्छी तरह से देखा है। सर्व लक्ष्मिया सर्व लक्ष्मी आप्युत्तम, प्रहलाद का सौभाग्य लक्ष्मी जी की भी अपेक्षा उत्तम है, इस बात को हमने साक्षात देखा। कहां देखा? वो साक्षात हिरण्यकश्यप अनुभूतम विदारणे, जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा और क्रोध कर रहे थे उस समय हमने ये साक्षात देखा कि लक्ष्मी की भी अपेक्षा प्रहलाद का भाग्य ज्यादा है। और प्रहलाद को देख करके भगवान एकदम शांत हो गए, नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। श्री भगवान ने नृसिंह भगवान ने पुनः पुनः वरान दत्सु विष्णु मुक्तिम न याचिता, प्रहलाद से बार बार कहा कि बेटा प्रहलाद कुछ वरदान मांग ले, कुछ वरदान मांग ले। और उस समय प्रहलाद ने भगवान को ही डांट दिया, मारे तुम कैसे डॉक्टर हो, कोई डॉक्टर रोगी से ये कभी नहीं कहता है कि अच्छा तेरी जो इच्छा हो वो खा ले, जब तक रोग है जब रोग ठीक हो जाएगा तब कहेगा, रोग की स्थिति है उस समय कोई ये नहीं कहेगा डॉक्टर कि जो जो तेरी इच्छा हो वो खाओ, ऐसा नहीं कहेगा, बल्कि डांटेगा कि नहीं परहेज करना पड़ेगा, परहेज नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ है। तो उल्टा डॉक्टर तो डांटता है, हमारे तुम कैसे डॉक्टर हो जो कह रहे हो वरदान ले ले वरदान ले ले, हम तो संध्यपात के रोगी हैं, और संध्यपात के रोगी के सामने यदि कोई ये कहे कि तुझे क्या चाहिए तो संध्यपात का रोगी तो ये कहेगा कि मुझे तो आइसक्रीम खानी है, मुझे तो ठंडा जल, शरीर पर जलन जलन हो रही है इस समय ठंडा जल पिलाओ। तो क्या डॉक्टर किसी संध्यपात के रोगी को आइसक्रीम खिलाएगा, ठंडा जल पिलाएगा? क्या आप हमसे कह रहे हैं कि प्रहलाद बेटा तुझे जो चाहिए वो वरदान मांग ले? तो हमारे हम तो संसार के संध्यपात रोग में डूबे हुए हैं, हम मांगने बैठेंगे तो क्या मांगेंगे? हमारे बेटा दे दो, धन दे दो, यश दे दो, शरीर स्वस्थ बना दो, खूब भोग भोग गए, ये सब मांगेंगे। तो हम तो संध्यपात के रोगी जैसे कुपथ्य मांगेगा ऐसे हम तो कुपथ्य ही मांगेंगे, इसे खबरदार हमको ऐसा वरदान देने के लिए प्रोत्साहित मत करो। तो श्री नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को प्रहलाद की महिमा का गायन चल रहा है, तो प्रहलाद की महिमा को जब बताते हुए कह रहे हैं कि नृसिंह भगवान ने बार बार प्रहलाद को भक्ति जब कोई वरदान मांगने के लिए प्रस्तुत किया तो एक बात को उन्होंने कह दिया कि मैं वर्ष हे प्रभु आप मुझे इस प्रकार वरदान देकर के प्रलोभित मत करो। भगवान बोले बोले प्रहलाद तू समझा नहीं, तुझे नहीं दूंगा तो मुझे संतोष नहीं होगा। अरे बालक है, बालक कुछ मांग नहीं रहा है, परंतु तो बालक से बार बार पूछा चाहिए, पूछा जाए बेटा क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग दे। वो बालक कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब भी बालक के मना करने पर भी जैसे उसके हाथ में कहीं आइसक्रीम लड्डू पकड़ा दिया जाता है, उसकी जेब में 20 रुपए का 50 रुपए का नोट जबरदस्ती ठूस दिया जाता है, उसके हाथ में कोई खिलौना दे दिया जाता है, किसी तरह से तुझे कुछ न कुछ वरदान तो मैं दूंगा ही, वो वरदान तो तुझे लेना पड़ेगा, मुझे सुख मिलेगा, जब कुछ दूंगा नहीं तो मुझे संतोष नहीं मिलेगा। क्या हाँ बच्चे के हाथ में कुछ रखा नहीं, बच्चे को तो कुछ ना कुछ देना चाहिए था, तो तुझे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। प्रहलाद जी बोले ना ना मारे मुझे इस वरदान के चक्करों में मुझे मत डालो, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। भगवान बोले ना मेरा आदेश है, तुझे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा।
अब जब ये कहा कि आदेश है तो प्रहलाद जी चुप हो गए, बोले महाराज आदेश है तो लाओ मांग लेता हूं। बोले क्या मांगता है? बोले कामा नाम हृदय संरोधम भवतस्तु दृढ़ वरम। प्रहलाद जी ने वरदान भी क्या मांगा कि हृदय में कामना वासना उत्पन्न न हो, ये वरदान आप मुझे प्रदान कीजिए। बोले प्रहलाद महाराज की वरदान मांग भी लिया और कुछ मांगा भी नहीं। ठाकुर ने कहा तुझे सौगंध है मेरी, तुझे आदेश है, तुझे मांगना पड़ेगा कुछ न कुछ। बोले अच्छी बात, मांग भी लेते हैं तो ठाकुर की बात भी रह गई तो फिर भी कुछ मांगा नहीं। ये प्रहलाद के विशेषता, इतने शुद्ध भक्त यदि कोई है तो वे प्रहलाद हैं, उनसे बढ़कर के कोई दूसरा भक्त हो नहीं सकता है। इसलिए नाटक उनके पास में जाओ। सो पुनर पुनर्वरान दित्सु, जब बार बार वरदान को देना भगवान चाह रहे थे, 81वां श्लोक है। पुनर पुनर्वरान दित्सु, जब बार बार वरदान देना चाह रहे थे उस समय विष्णु मुक्ति नहीं याचता, इन्होंने विष्णु से मुक्ति भी नहीं चाहिए। बोले नहीं माने मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, वरदान दे रहे हो तो मैं 6 वस्तुओं को मांगता हूं, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन और वंदन, ये 6 भक्ति मांगी। दास सख्यो आत्मनिवेदन, 3 भक्तियों को छोड़ दिया क्योंकि ये तो इन 6 भक्तियों की जो सेवा है, 6 भक्ति उन 6 भक्तियों के ही कहीं मूल है। 6 भक्ति कैसे की जाएंगे? दासी का मतलब है कैंकर्य, दासिन कर्मार्पणम केचित कैंकर्यम दासी मुच्यते। दासी की परिभाषा भक्त स्वामी सिंधु में रूप गोस्वामी जी कर रहे हैं कि दासी का अर्थ है कर्मों का भगवान को समर्पित कर देना। जैसे एक सेवक जो कुछ भी कार्य करके आया उस कार्य को सांझ को आकर के वो मालिक को रिपोर्ट देगा, बोले मारे आज का काम मेरा ये है, तो जो कुछ भी कर्म किए उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना, इसका नाम दासी। बोले ना ये कोई बात नहीं हुई। मुख्य दासी क्या है? बोले मुख्य दास है कई करे किम करोमी, आप बताइए आपने जो आदेश दिया उसके अनुसार तो मैंने किया, अब आगे क्या करूं। ये नहीं कि हाय एक बार चलो भगवान का काम किसी तरह से उल्टा सीधा करके पटका और चलो छुट्टी हो गई अपनी, तो छुट्टी नहीं है। भक्त तो वो है जो सर्वदा सर्वदा किम करोमी इस भाव से युक्त होकर के विराजमान है। कभी कभी जो कामचोर विद्यार्थी होता है, कामचोर नौकर होता है, वो किसी तरह से उल्टा सीधा काम किया, वो मैंने किया अब मैं जा रहा हूं बस, तो छूट करके जाना चाहता है। परंतु यहां पर मुख्य दास्य क्या है? कैंकर्य, जो कार्य कर रहा है वो भी किंकर होकर के कर रहा है और आगे भी कैंकर्य को ही वो चाहता है, किम करूंगी इस भाव को ही चाहता है। तो ये हो गया 6 प्रकार की जो भक्ति है, उन 6 प्रकार की भक्ति का श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन और दास, इन 6 प्रकार की भक्तियों का एक भाव हो गया दास कैंकर्य। इस कैंकर्य में ही दूसरा एक भाव है, दूसरा एक मूड है, वो है साक्ष माने आपका यदि कोई कार्य है तो उसमें मैं कैसे सहायक होकर के रहूं, कहीं मेरा हेल्पिंग हैंड आपके साथ में मिले, ये हुआ साक्ष। साक्ष का मतलब है भगवान कोई चीज चाहते हैं तो उनकी कार्य में मैं कैसे सहायक होकर के, कैसे उनकी सेवा में मैं विराजमान हूं और उनको किसी तरह से सुविधा प्रदान करूं, उनको ज्यादा श्रम नहीं हो उस श्रम को मैं ले लूं, इसका नाम हुआ सख्त। और आत्मनिवेदन का तात्पर्य है कि बदले में मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, बदले में बस आपकी प्रीति, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये 3 जो वस्तु हैं, ये 3 वस्तुएं तो पहली जो 6 प्रकार की भक्ति थी उनकी एक मानसिक स्थिति है, उनको करने में जो मन की जो स्थिति है वो भक्ति। मुख्यतः 3 ही है, श्रवण कीर्तन स्मरण। अब स्मरण भक्ति का ही विस्तार है पाद सेवन अर्चन और वंदन।
हमने स्मरण किया, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं, परंतु स्मरण का फल क्या है? अब जैसे रूप का भी स्मरण कर रहे हैं, गुण का भी स्मरण कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का भी स्मरण कर रहे हैं, तो गुण लीला इनका मुख्य फल क्या होगा? इनका फल जो होगा वो अंत में सेवा ही होगा। सेवा तीन प्रकार की, अर्चन, पान सेवन और बंधन। जहां मंत्र का प्रयोग किया गया वहां पर होगा अर्चन, जहां मंत्र का प्रयोग नहीं है फिर भी राग के द्वारा ठाकुर की सेवा की जा रही है, लाल लड़ाते हुए ठाकुर की सेवा की जा रही है और मंत्र का आग्रह नहीं है, उसका नाम हुआ पाद सेवन। पाद माने आदर, आदर पूर्वक सेवा करना, उसका नाम पाद सेवन। पाद का मतलब पैर नहीं है, पाद शब्द आदर के अर्थ में आता है, जैसे रूप गोस्वामी पाद, बल्लभाचार्य चरण, तो पाद चरण ये जो है ये आदर के वाचक होकर के विराजमान है। तो आदर पूर्वक ठाकुर की सेवा करना वो हो गया पाद सेवन। और हमने जहां अर्चना की है माने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए या बिना वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए भी ठाकुर जी को भोग लगाया। अब जरूरी थोड़ी है कि भोग लगा रहे हैं तो मंत्र याद ही हो, किसी को याद है किसी को नहीं है, ना प्यासी बोलना कोई अनिवार्य थोड़ी है, और नित्यादि में बोला भी नहीं जाए कोई जरूरी भी नहीं है नित्यादि में, क्योंकि मैया जिस समय बालक को भोजन कराएगी तो मंत्र बोल करके भोजन नहीं कराती है, वो लाल से भोजन कराती है, परंतु जिस दिन बालक का अन्न प्राशन हो रहा है उस दिन पंडित जी को बुला करके, पुरोहित को बुला करके, फिर वैदिक मंत्र के द्वारा बालक को कहीं अन्न प्राशन, पहली बार अन्न उसको खिलाया जाएगा, भू स्वाहा भो स्वाहा स्व स्वाहा कहकर के उस बालक को कहीं चार और भूर्वस्व स्वाहा विहारती के द्वारा उसको कहीं खिलाई जाएंगे। तो मंत्र का प्रयोग हमेशा नहीं है, मंत्र का प्रयोग विविध विविध विशेष अवसरों पर ही मंत्र का प्रयोग होता है, ऐसे ही विशेष अवसरों पर ही कहीं पूजन में भी मंत्र का प्रयोग होगा। सामान्यतः बिना मंत्र के भी ठाकुर को जो समर्पित किया जा रहा है, भाव से समर्पित किया जा रहा है, उसका नाम पाद सेवन है, और उस पाद सेवन में कहीं ना कहीं त्रुटि तो रह जाएगी, अर्चन में भी त्रुटि रह जाएगी, तो उसके लिए तीसरा एक उपाय है वो है बंधन। तो पाद सेवनम, अर्चनम और बंधनम, ये तीन भक्ति तत्वता स्मरण के ही विस्तार है। स्मरण का फल है सेवा और सेवा का विस्तार है पाद सेवन अर्चन और बंधन। अब ये जो पाद सेवन अर्चन बंधन किया जा रहा है ये कैसे किया जाएगा? बोले सख्य दास्य और आत्मनिवेदन के द्वारा, ये उसी का पाद सेवन का ही विस्तार, ये तीनों भाव हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने जो वरदान मांगा नृसिंह भगवान से वो केवल छह भक्ति मांगी, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन और बंधन, ये छह भक्ति उन्होंने मांगी। तीन भक्ति तो अपने आप जुड़ी हुई हैं, सेवा जब की जाएगी तो वो ही, इसलिए मुक्ति को भी नहीं मांगा। न पुनर्वरान दिशु विष्णुर मुक्ति न याचता, श्री विष्णु से इन्होंने मुक्ति भी नहीं मांगी। भक्ति रेव व्रतायनो प्रहलाद प्रहलादम तम नमाम्यहम, जिन्होंने केवल भक्ति ही मांगी उन प्रहलाद को मैं प्रणाम कर रहा हूं। मर्यादा लंघनस्यापि गुरुवादेश कृतो मुने असंपन्न स्व वार जाल सत्यांतस्य यद बले, बलराजा इनके वंश में ही बलराजा उत्पन्न हुए, प्रहलाद के वंश में ही, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, प्रहलाद के नाते हैं बलराजा। सो मर्यादा लंघनस्यापि गुरुवादेश कृतो मुने, प्रहलाद की श्री बलराजा की महिमा का क्या वर्णन किया जाए? बलराजा मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि
ये विष्णु छल करने के लिए यहां आए हैं, खबरदार इनको तीन पांव पृथ्वी में मत दे। पर बलराजा कह रहे हैं नहीं महाराज, मैं तो ब्राह्मण से हां कह चुका हूं और मुझे मना करते नहीं बनेगा, मैंने ब्राह्मण से हां कह दी है, झूठ कैसे बोलूं। उस समय श्री शुक्राचार्य जी ने कहीं शास्त्र से ढूंढ ढाल करके एक युक्ति भी दिखाई, शुक्र नीति भी कहीं प्रयोग करते हुए दिखाई कि झूठ है बीज, देह रूपी जो वृक्ष है वह है सत्य रूपी, सत्य माने जिसका अस्तित्व दिख रहा है सामने, वो देह रूपी वृक्ष वह है फल। यदि कहीं बीज रहेगा तो वृक्ष बनेगा, बीज नहीं रहेगा तो वृक्ष नहीं बनेगा, इसलिए तू झूठ बोल करके अपने देह की रक्षा कर ले। अभी केवल युक्ति थी, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये केवल युक्ति, युक्ति के आधार पर बलराजा ने समझाने का प्रयत्न किया कि अनर्थ है बीज और शरीर है उसका वृक्ष, जैसे बीज रहने पर वृक्ष भी आगे बना रहेगा और बीज ही नष्ट हो जाएगा, जड़ ही नष्ट हो जाएगी तो वृक्ष नहीं रह सकता है, इसी तरह से असत्य के द्वारा तू अपने देह की रक्षा कर ले और उसके द्वारा आगे भी तुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष इस शरीर के माध्यम से मिलेंगे, इसलिए अपने वृक्ष की रक्षा, वृक्ष पर फल आएंगे, इसलिए शरीर यदि बना रहेगा तो धर्म अर्थ काम मोक्ष दोनों बनेंगे, इसलिए तू झूठ बोल करके शरीर की रक्षा कर ले। और उसके लिए एक तर्क दिया कि स्त्री सुनम विवाहित वृत्त्यर्थे प्राण संकट, शरीर का यदि प्राण संकट उपस्थित हो रहा है तो प्राण संकट उपस्थित होने पर शरीर की रक्षा करने के लिए तू झूठ बोल दे, झूठ बोल जा, संकोच मत कर। परंतु ये सारी युक्तियां थी, कोई शास्त्र के वचन नहीं है, शास्त्र तो ये कहता है सत्य हरिभज, तो ये है मुख्य वचन कि भगवत सेवा के लिए सर्वस्व त्याग करना चाहिए, ये शास्त्र के मुख्य वचन है। परंतु श्री शुक्राचार्य जी शुक्र नीति के अनुसार कहीं राजा को भ्रमित करना चाह रहे थे और केवल तात्कालिक सुख प्राप्त करने के लिए, आत्यंतिक सुख नहीं बल्कि उस समय केवल सुख मिल जाए, फौरी आराम मिल जाए, तात्कालिक आराम मिल जाए, इसके लिए शुक्राचार्य जी ने एक युक्ति भी दे दी कि झूठ बोलने पर तेरे शरीर की रक्षा हो जाएगी, शरीर की रक्षा होने पर आगे भी तू पुण्य कार्य कर सकेगा, इसलिए अपने शरीर की रक्षा कर ले। और उसके लिए छह मोरियां भी निकाल दी कि स्त्री शु नर्म विवाहित, स्त्रियों के बीच में परिहास में विवाह में अपनी आजीविका जा रही हो, उस समय वृत्त्यर्थ है प्राणों का संकट हो रहा हो, गैया ब्राह्मण की रक्षा करनी हो, तो छह जगह झूठ बोली जा सकती है। परंतु ये सब बात जो है वो केवल युक्ति की है, तर्क के आधार पर कही गई है, शास्त्र के आधार पर नहीं कही गई है। शास्त्र तो ये कहता है कि परम जो परम फल है इस जीवन का लक्ष्य परम फल है, और नोचेत यह बीजानिया महतिर विनष्टि ही, कहीं मांडुक्य उपनिषद में ये कहा गया कि उस आत्मा को यदि नहीं जाना तो हाय हाय बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए किसी भी तरह से आत्मा को परतत्व को जानने का प्रयत्न करो। तो ये है शास्त्र के मुख्य वचन, बाकी के जो वचन कहे गए ये सब केवल युक्ति से कहे गए, पर श्री बलराजा ने उन युक्तियों को भी नहीं माना। तो उन्होंने वाक्यों की सत्यता की रक्षा नहीं की और श्री असंपन्न स्वबाल जाल सत्यतांतस्य यद बले है, तब श्री प्रभु वामदेव ने स्वबाल जाल सत्यतांतः
तब रक्षा करने के लिए बल राजा के द्वारपाल बनना भी श्री वामन भगवान ने स्वीकार किया उस प्रेम से के कारण श्री प्रभु ने अपने उस समय वामन द्वारपाल बनकर के विराजमान हुए। ये क्या ये जो दान किया उस दान का फल है माने ये दान का फल नहीं है जो कुछ भी दान करते हुए विराजमान ये भगवान का द्वारपाल बनना ये बल राजा की सत्यता का फल नहीं है। तत्वता फल किसका है शिव जी सब बात को कहीं केंद्रित करेंगे कहां प्रहलाद जी में बोले प्रहलाद से जो प्रेम था उस कारण श्री कृष्ण बल राजा के द्वारपाल बनकर के विराजमान हुए। बल राजा ने भगवान को सर्वस्व समर्पण कर दिया ये भगवान के सर्वस्व समर्पण द्वारपाल बनने का कारण नहीं था भगवान के द्वारपाल बनने का कारण था श्री प्रहलाद के प्रति प्रेम। तुच्छ दान क्या भगवान को द्वारपाल बना देगा क्या वैसे दिमाग से भी सामान्य तर्क से भी सोचे तो बात कोई जमती नहीं है कि बल राजा ने क्योंकि अपना राज्य दे दिया राज्य दान के कारण श्री भगवान बल राजा के द्वारपाल बन गए ये बात जमती नहीं है। जब तक प्रेम नहीं है तब तक कोई द्वारपाल बनने का कार्य स्वीकार नहीं करेगा। किसी को कितना भी दिया जाए वो केवल उसको आशीर्वाद मात्र प्रदान कर देगा ठीक है कृतज्ञ मान दे कृतज्ञता मान देगा द्वारपाल बनने के लिए कौन तैयार होगा परंतु द्वारपाल बनेगा तब जबकि ममता संबंध स्थापित होगा। प्रहलाद के साथ में इतना ममता संबंध है कि प्रहलाद के वंश में उत्पन्न हुआ है प्रहलाद का नाती है तो इसके अब मुझे रक्षा करनी पड़ेगी और इसने मुझे सब कुछ दिया भी है समर्पण भी किया है तो अब इसका पालन करना ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। इसलिए भगवान द्वारपाल बन करके विराजमान हुए। दान का फल राज्य दान का फल भौतिक स्वर्ग का एक राज्य दे दिया उसका फल भगवान द्वारपाल बन जाए ये कहीं हो सकता है क्या? इतनी छोटी सी वस्तु को देखकर के भगवान को कोई क्या अपने वशीभूत कर सकता है क्या? इसलिए प्रेम के कारण प्रहलाद के प्रेम के कारण ही भगवान उनके वशीभूत होकर के विराजमान है। क्या बात है? तो असंपन्न स्वार वारज बार जाल सत्यता सती आतांतस्य।